दांत का दुख। बच्चे तो होते ही है चटर पटर, जो भी डिश स्वीट डिश सामने आ जाए उसे झट से चट कर जाते हैं। गट्टू भी बिल्कुल ऐसा ही था। खाने का उसे बहुत शौक था, दिन भर बस खाता ही रहता था। स्वीट तो उसका फेवरेट था, और बात अगर चॉकलेट्स की हो तो फिर पूछो ही मत, पूरा दिन सिर्फ चॉकलेट्स पर ही निकाल सकता था गट्टू। इस बात से मम्मी भी काफी परेशान थी। अरे नहीं नहीं, गट्टू चॉकलेट खाता है इस बात से मम्मी परेशान नहीं थी। ज्यादा चॉकलेट खाने की वजह से कहीं गट्टू का कोई दांत ना खराब हो जाए, इस बात का डर रहता था मम्मी को। गट्टू बेटा बहुत हो गया चॉकलेट्स खाना, दांत खराब हो जाएंगे। अरे मम्मी डोंट वरी, 32 दांत है, एक खराब भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। गट्टू ये कोई मजाक का टॉपिक नहीं है, मैं सीरियस हूँ। तुम दिन भर बस कुछ ना कुछ खाते ही रहते हो, लेकिन दांतों का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते। क्या सिखाया जाता है स्कूल में? हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए, और तुम सुबह का ब्रश भी ठीक से नहीं करते हो। बस पेस्ट ब्रश को लगाया, ब्रश दांतों को लगाया और हो गया ब्रश। ये ठीक बात नहीं है बेटा। लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं, बात एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से छोड़ देते हैं। गट्टू ने भी ठीक वैसा ही किया। उसने मम्मी की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपनी आदतों पर अड़ा रहा। रोज गट्टू चॉकलेट नहीं तो फिर कोई और स्वीट डिश खाता ही रहता था। लेकिन फिर पानी से कूला करना तो दूर की बात है, वो ये भी भूल जाता था कि उसने कुछ खाया है और दोबारा मांगता था, मम्मी गुलाब जाम। ऐसा था गट्टू, सुबह का ब्रश भी ठीक से नहीं करता था। ब्रश करना काफी बोरिंग लगता था उसे। ये ब्रश करना तो वेस्ट ऑफ टाइम है, पता नहीं हम इंसानों को ब्रश करना कौन सिखा कर गया। जानवर थोड़ी ब्रश करते हैं, फिर भी उनके दांत कैसे मजबूत रहते हैं। बंदर तो दिन भर मेरी तरह कुछ ना कुछ खाता ही रहता है और ब्रश भी नहीं करता, फिर भी उसके दांत खराब नहीं होते। तभी मम्मी ने आवाज लगाई, गट्टू ब्रश हुआ कि नहीं? देखो चिंकी तो स्कूल के लिए रेडी भी हो गई है। मम्मी बस 2 मिनट, पता नहीं है चिंकी सब कुछ इतना फटाफट कैसे कर लेती है, उसमें क्या बड़ी बात है। और ऐसा कहकर गट्टू ने ब्रश को पेस्ट लगाया, ब्रश मुंह में 1-2 बार इधर उधर घुमाया और हो गया उसका ब्रश। अब ऐसी खराब आदत हो तो उसका नतीजा अच्छा तो नहीं निकल सकता। गट्टू के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक रात अचानक गट्टू का दांत जोर जोर से दर्द करने लगा और गट्टू जोर जोर से चीखने लगा, मम्मी बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। देखा क्या कहा था मैंने, हो गई ना दांत में कैविटी। मम्मी प्लीज बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान दांत के बीच आकर फंस गई है। डोंट वरी, मुझे पता है दांत का दर्द क्या होता है। तुम्हें पेन किलर देती हूँ, उसे सुबह तक आराम मिलेगा, फिर कल पापा के साथ डेंटिस्ट के पास जाकर आना। फिर पेन किलर खाकर गट्टू सो तो गया, लेकिन जैसे ही सुबह हुई पेन किलर का असर खत्म हुआ और गट्टू फिर से चिल्लाने लगा, मम्मी। अरे हाँ बाबा रुको, हम जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास। तभी चिंकी गट्टू के पास आकर बोली, तुम डेंटिस्ट के पास जा रहे हो ना, जरा संभल कर। गुट्टी बता रही थी उसके भैया का तुम्हारे जैसे ही दांत दुख रहा था, तो डेंटिस्ट ने उसका दांत ही जड़ से निकाल कर फेंक दिया था। आ, 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 आ। तभी वहाँ पापा आए। क्या हुआ गट्टू, चलो चलें। नहीं पापा, मैं ये दर्द सह लूंगा, नहीं तो फिर पेन किलर ले लूंगा, लेकिन डेंटिस्ट के पास नहीं जाना। आ, आ। अरे लेकिन बात क्या है, चिंकी ने कुछ बताया क्या? ये सुनकर चिंकी वहाँ से भाग गई और पापा सब कुछ समझ गए। फिर पापा गट्टू को समझा बुझा कर अपने दोस्त के डेंटल क्लिनिक में ले आए। गट्टू काफी डरा हुआ था, उसे लग रहा था कि उसका दांत निकाल कर फेंक दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही वो डेंटिस्ट अंकल से मिला, उनका कूल बर्ताव देख कर गट्टू का दर्द और डर थोड़ा कम हुआ। गट्टू डोंट वरी, तुम्हारा दांत कोई नहीं निकालेगा, बस हम चेकअप करेंगे और फिर मैं तुम्हें दवाइयाँ लिख कर दूंगा, वह खाते ही दांतों का दर्द गायब। फिर डेंटिस्ट अंकल ने गट्टू को उनकी खास चेयर पर बैठाया और लाइट्स ऑन किया। अंकल सच में आप मेरा दांत नहीं निकालोगे ना? नहीं बेटा रिलैक्स, आ आ आ,
बेटा रिपीट नहीं करना है, अपना मुंह खोलो। फिर गट्टू ने मुंह खोला और अंकल चेक करने लगे। अंकल का हाथ लगते ही गट्टू का 90% दर्द और डर भी गायब हो गया। चेकअप होते ही डेंटिस्ट अंकल पापा से बोले, डोंट वरी, बस थोड़ी सी कैविटी है, मेडिसिन का कोर्स खत्म होने से पहले ही भाग जाएगी। हर्ष जरा समझाओ इसे, ये ब्रश नहीं करता और चॉकलेट भी बहुत खाता है। डेंटिस्ट अंकल मुस्कुराते हुए बोले, अब गट्टू को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, दांत के दर्द ने उसे बहुत कुछ समझा दिया है। क्यों गट्टू, सच कहा ना? हाँ अंकल, मैं समझ गया हूँ कि दांत का दर्द क्या होता है और दांतों का ख्याल रखना, ब्रश करना कितना इम्पोर्टेंट है। अब गट्टू का दर्द पूरी तरह खत्म हो चुका था। पापा डेंटिस्ट अंकल के साथ बातें कर रहे थे और गट्टू पूरा क्लिनिक घूम रहा था। वह क्लिनिक और वहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बिल्कुल अलग थे। गट्टू पहली बार डेंटिस्ट के क्लिनिक आ रहा था, इसलिए उसके लिए वो बिल्कुल नया और अनोखा एक्सपीरियंस था। वहाँ जगह जगह दांतों के डायग्राम्स, मॉडल्स और पोस्टर्स थे जिन पर काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। गट्टू ने वो सब भी देखा और ध्यान से पढ़ा भी। गट्टू बेटा चलो। बाय बाय अंकल। बाय गट्टू। फिर गट्टू पापा के साथ घर चला आया। कुछ ही दिनों में उसका दर्द बिल्कुल ठीक हो गया और साथ साथ उसकी आदतें भी। गट्टू अब दो बार और काफी अच्छे से ब्रश करने लगा, चॉकलेट वगैरह उसने कम कर दिए और इस प्रकार गट्टू अब अपने दांतों का अच्छे से ख्याल रखने लगा। गट्टू का रिजल्ट। गट्टू और चिंकी के एग्जाम खत्म हो चुके थे, गर्मियों की छुट्टियां और साथ साथ मस्तियां भी चल रही थी। मम्मी गट्टू मेरी चोटी खींच रहा है। नहीं मम्मी, मैं तो सिर्फ चोटी के बाल गिन रहा था। एकदम चुप, दोनों ही एक जैसे हो, दिन भर बस शैतानी और मस्ती। चलो किताबें निकालो। मम्मी छुट्टियां चल रही है ना, नो किताबें नो पढ़ाई। किसने कहा छुट्टियों में पढ़ाई नहीं होती? किताबें निकालो चलो। मम्मी हम टीवी देखें? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पापा आराम कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम आवाज तेज नहीं करेंगे प्लीज। बिल्कुल नहीं, किताबें निकालो चलो। गट्टू चिंकी नाराज हो गए और किताबें निकाल कर बैठ गए। तभी मम्मी पापा के पास आकर बोली, चलो जान छुट्टी। क्या हुआ, सो गए दोनों? अरे उनको कहाँ नींद आती है, ना तो खुद सोते हैं और ना ही हमें सोने देते हैं, किताबें खोल कर बैठे हैं, पता नहीं ठीक से पढ़ेंगे भी या नहीं। तभी चिंकी चिल्लाई, मम्मी इसने मेरी बुक की कवर निकाल ली। देखा, कहा था ना मैंने, परेशान हो गई हूँ मैं, पता नहीं कब इनके रिजल्ट आएंगे और कब इनका स्कूल खुलेगा। छोड़ो भी, बच्चे हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। गर्मियों की छुट्टियां चल रही है, कोई काम नहीं है, इसलिए शैतानियां कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें दोनों को कहीं बिजी रखना चाहिए। रात को गट्टू चिंकी पापा के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मम्मी डिनर ला रही हूँ, बस दो मिनट। खाली बैठे गट्टू चिंकी बोर हो गए और डाइनिंग टेबल पर पीटते हुए गाना गाने लगे। मेरा छोला का डोला, चवालीस की छाती, सीधी बात बोलू बातें घुमानी नहीं आती, आता माजी सटकली। डिनर लेकर मम्मी आई और दोनों की हरकतें देखकर गुस्सा हो गई। गट्टू चिंकी ये घर है, थिएटर नहीं, गाना बजाना बंद करो, चुपचाप खाना खाओ। तभी पापा बोले, अरे अच्छा बजा लेते हैं ये, मुझे लगता है दोनों को तबला सीखना चाहिए। सोसाइटी में एक बहुत बड़े तबलेची है शंकर नारायण, कल उनके पास दोनों को लेकर जाता हूँ। हाँ हाँ ले जाइए, कम से कम घर में शांति बनी रहेगी। नहीं पापा, हमें तबला नहीं सीखना, आप गिटार लेकर आओ, हम वो बजाएंगे। बेटा तुम्हारी उंगलियों में रिदम है, शंकर जी से तबला सीखोगे तो आगे चलकर बहुत बड़े वादक बनोगे, फिर क्या। दूसरे दिन पापा दोनों को शंकर जी के फ्लैट पर ले गए और दोनों की ट्रेनिंग शुरू हुई। शंकर जी के मार्गदर्शन अनुसार दोनों रियाज करते गए। शंकर जी क्या लगता है? चिंकी को वक्त लगेगा लेकिन गट्टू जल्दी सीख जाएगा, वो बहुत बढ़िया बीट पकड़ लेता है, चिंकी का ध्यान कहीं और ही रहता है। रोज दोपहर से शाम तक गट्टू चिंकी शंकर जी के पास जाकर रियाज करने लगे
और गट्टू का तबले पर हाथ साफ हो गया। वो बढ़िया तबला वादन करने लगा, लेकिन बेचारी चिंकी अभी भी बीट पकड़ नहीं पा रही थी। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका बच्चों को डर होता है, रिजल्ट का दिन। गट्टू चिंकी रिजल्ट लेने स्कूल पहुंचे। मिश्रा सर ने सबको रिजल्ट दिया। चिंकी क्लास में फर्स्ट आई थी। सब ने तालियां बजाकर उसका अभिनंदन किया, लेकिन गट्टू बेचारा फेल होते होते बचा था। काफी कम मार्क्स आए थे उसके। तुम्हारा रिजल्ट दिखाओ। अभी नहीं, घर चलकर देख लेना। गट्टू काफी डर गया था। उसने अपना रिजल्ट किसी को नहीं दिखाया। घर लौटते वक्त गट्टू की नजर एक आदमी पर पड़ी। आदमी बच्चे को डांट रहा था। इतने कम मार्क्स, इससे अच्छा होता कि फेल ही हो जाते। तुम पर इतना पैसा खर्च करते हैं, स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, स्विमिंग क्लास, कंप्यूटर, साइकिल और ना जाने क्या क्या, और तुम्हारा ये रिजल्ट, शर्म करो। गट्टू डर गया था कि कहीं पापा भी उसको ऐसे ही ना कुछ सुना दे। जैसे ही दोनों सोसाइटी में पहुँचे, चिंकी तुम जाओ, मैं बस अभी आया। लेकिन जा कहाँ रहे हो? कहाँ ना जाओ, बाद में बताऊंगा। ऐसा कहकर गट्टू भाग गया और चिंकी घर चली आई। चिंकी का रिजल्ट देखकर मम्मी पापा बहुत खुश हो गए और उन्होंने चिंकी का मुंह मीठा किया। गट्टू कहाँ है? भाग गया, कुछ नहीं बताया। जरूर कम मार्क्स लेकर आया है, इसलिए डर के मारे भाग गया। भाग कर जाएगा कहाँ, घर ही तो आएगा ना। लेकिन शाम हो गई, शाम की बात रात हो गई, फिर भी गट्टू घर नहीं आया। मम्मी पापा चिंकी सब लोग परेशान होकर गट्टू को इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन गट्टू कहीं नहीं मिला। कहाँ चला गया होगा मेरा गट्टू, सब जगह ढूंढ लिया, चलो अब पुलिस में चलते हैं। तभी पापा को एक कॉल आया। कॉल पर बात होते ही पापा चैन से सांस छोड़ते हुए बोले, थैंक गॉड, सारी सोसाइटी छान मारी लेकिन शंकर जी के यहाँ जाना भूल गए। उनका कॉल था, गट्टू उनके यहाँ छिप कर बैठा है। मम्मी पापा और बाकी लोग शंकर जी के घर पहुँचे। गट्टू एक कोने में बैठा था। जब से आया है ऐसे ही बैठा है, कुछ बोल भी नहीं रहा। पापा गट्टू के पास जाकर बोले, क्या बात है बेटा? गट्टू ने रिजल्ट आगे किया। पापा ने रिजल्ट देखा और वो सब समझ गए। तुम्हारे मार्क्स कम आए इसलिए छिपकर यहाँ बैठे थे, तुम्हें लगा पापा डांटेंगे? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगा। मार्क्स कम आना कोई गलत बात नहीं है। तुमने अगर पढ़ाई नहीं की होती तो गलत बात थी, लेकिन तुमने तो मेहनत की है, इसलिए ये मार्क्स तुम्हारे मेहनत के हैं, अपने हैं। कोई बात नहीं, अगले साल और अच्छे से मेहनत करना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलो अब घर चलो। तभी शंकर जी बोले, बेटा हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, कोई पढ़ाई में होशियार होता है तो कोई कला में। सचिन तेंदुलकर पढ़ाई में कमजोर थे लेकिन क्रिकेट ग्राउंड में कितनी मजबूती से खड़े रहते थे, ये तुम बच्चों को बताने की जरूरत नहीं। वैसे ही तुम पढ़ाई में कमजोर हो लेकिन कितना अच्छा तबला बजाते हो, चिंकी से भी अच्छा, इसलिए हमारे पास जो है उस पर हमें गर्व करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए बल्कि मेहनत से सब कुछ हासिल करना चाहिए। चलो अब तबला बजाओ, तुम्हारे मम्मी पापा देखना चाहते हैं मैंने तुम्हें ट्रेन किया भी है या नहीं। ये सुनकर गट्टू खुश हो गया, उसने आंसू पोंछे और तबले पर बैठ गया। गट्टू जैसे ही तबला बजाने लगा सब लोग चौंक गए और देखते देखते उसके तबले की धुन में खो गए।